अरे मोना बेटा, क्या कर रही है? मम्मी जी, मैं मसाला पीस रही थी सब्जी बनाने के लिए। अरे बेटा, तू सारा दिन कितना काम करती है। सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबसे लेट सोती है, सारा दिन तो थक नहीं जाती होगी? मम्मी जी, बड़ों का आशीर्वाद और घर का काम भाग्य सारे लोगों को मिलता है। लेकिन बेटा, मुझे तो लगता है जो आराम करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं। क्या मतलब मम्मी जी? मतलब ये बेटा कि तू तो सारा दिन नौकरानी बन के काम करती रहती है, और वो सारा दिन सुबह नहाती है और बैठ जाती है किताब लेके। क्या वो जज बनेगी क्या? और जज भी अगर बनेगी ना, तो बेटी वो तुझ पे और मुझ पे ही रोब झाड़ेगी। मम्मी जी, वो रोब क्यों झाड़ेगी, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि अगर वो कुछ बनती है तो आस पड़ोस के लोग भी हमारी कितनी तारीफ करेंगे। और मम्मी जी, उसकी तो अभी नई नई शादी हुई है। नई नई शादी? बहू, उसकी शादी को पूरे 6 महीने हो गए हैं। ठीक है, तू सारा दिन नौकरानी बन के काम करती रही हो और वो काम नहीं करेगी ना तो निठल्ली हो जाएगी। कम से कम एक आधा काम तो बताया कर उसको, जब ही तो वो काम सीखेगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं सिखा दूंगी। पर मम्मी जी, आप एक काम कर दीजिए, वो बॉक्स में ना चावल रखे हैं, आप चावल साफ कर दीजिए, मैं मसाला पीस के सब्जी बना देती हूँ। तू मुझे भी नौकरानी बनाएगी क्या? देखो, मेरा तो विटामिन डी कम हो गया है, मैं विटामिन डी लेने जा रही हूँ ऊपर छत पे। अरे बेटा, अरे क्या कर रही है? कुछ नहीं मम्मी, बस पढ़ाई कर रही थी। अरे मेरे को कितनी खुशी होती है ना तुम पढ़ती है, तुमने तो अपना ना लाइफ का रूटीन बना रखा है। लेकिन बेटा, मेरी अकेले खुशी से क्या बनता है? क्यों, क्या हो गया मम्मी? मैं तो बेटा देख, बहुत चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख के हमारा नाम रोशन करे, लेकिन वो तेरी जेठानी है ना, वो नहीं चाहती कि तू पढ़ लिख के बड़ी अफसर बने। दीदी, अरे नहीं नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, दीदी भी चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूं, कुछ करूं। देखा, मुझे पता था कि तू मेरी बातों का यकीन ही नहीं करेगी, आखिर है ना बुद्धू। देखो बेटा, अभी मैं उसी के पास से ही आ रही हूँ, उसी से बात करके आ रही हूँ, और वो तेरे बारे में यही बातें बोल रही थी कि मैं तो सारा दिन नौकरों की तरह काम करती रहती हूँ और वो महारानी बन के बैठ जाती है। अरे मम्मी, कैसी बात कर रही हो आप, बल्कि दीदी ने ही मुझे कहा है कि घर का सारा काम मैं कर लूंगी और तू आराम से पढ़ाई कर। गलतफहमी है तुझे, मुझे पता है उसके अंदर तेरे प्रति कितना जहर भरा हुआ है। मुझसे पूछ, 3-4 साल से मैं उसको अच्छे से जानती हूँ। अरे वाह मम्मी जी, आप तो छत पे विटामिन डी लेने जा रही थी, अब यहाँ बैठे हैं। और एक बात बताइए मम्मी जी, 3-4 साल में आपने मेरे बारे में क्या जाना है, मुझे भी तो पता चले। अरे नहीं बेटा, मैं तो तेरी तारीफ ही कर रही थी बहू के सामने, बता ना बेटा। तारीफ? अच्छा मम्मी जी, आप मेरी तारीफ कर रही थी, और कितना झूठ बोलेंगी आप, मैं वहां खड़े होके ना सब सुन रही थी कि कोमल को आप क्या क्या कह रही थी मेरे बारे में। जब मैं शादी करके आई थी ना मम्मी जी, तो मेरा पढ़ने का ना बहुत शौक था, आपने मुझे पढ़ने नहीं दिया, घर के सारे काम बताए, झाड़ू पकड़ा दी। और मम्मी जी, कोमल पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना, आपने तो अंग्रेजों वाली बात कर दी, फूट डालो और राज करो, हम दोनों के बीच में, हम दोनों के रिश्तों में फूट तो मत डालिए। लेकिन बहू, ये तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम दोनों के बीच में फूट डाल रही हूँ? मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि आप पड़ोस वाली आंटी से हमारी बुराइयां करेंगी तो वो बात हम तक नहीं आएगी? उन्हीं पड़ोस वाली आंटी ने मुझे ये सारी बातें बताई जब मैं बाहर गई थी। लेकिन उस पड़ोसन ने तो मुझे कहा था कि तुम अपने घर पे जब ही राज कर सकती हो जब दोनों बहुओं के बीच में फूट डालोगी। मम्मी जी, तो आप लोगों की बातें क्यों मानते हो? मम्मी जी, अगर वो इतनी समझदार होती ना तो अपनी बेटी का घर बसने देती और अपने बेटे का भी। क्या मतलब दीदी? कोमल जो उनकी बेटी है ना, आज उनके घर बैठी है और उनकी बहू अपने घर जाके बैठी है। देखा मम्मी, जो औरत अपनों का ही घर नहीं बसने देती, वो दूसरों का घर क्या ही बसने देगी। और मम्मी जी, एक बात आप समझ लो कि हम आपकी नज़रों में देवरानी जेठानी हो सकते हैं, लेकिन हम हमारी नज़रों में बहनें हैं, हमारे बीच बहनों का प्यार है, देवरानी जेठानी का नहीं। बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं दूसरों की बातों में आकर अपना घर उजाड़ने चली थी, मुझे माफ कर दो बेटी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, जिस घर में अपनों का प्यार बना रहता है ना, वो घर स्वर्ग से सुंदर होता है। और बेटी, आज के बाद मैं तुम्हारी सास नहीं, तुम्हारी माँ बनकर रहूंगी। पक्का? पक्का।